सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल के तीसरे टी20 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 39 रनों के बड़े अंतर से हराकर आईपीएल 2019 में अपनी पांचवी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 155 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। खलील अहमद को बोल करने के बाद रबादा ने ऐसे करके जीत लिया सबका दिल, जानकर होगी खुशी। दिल्ली से मिले 156 रनों के औसत से लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 116 रनों पर सिमट गई और मुकाबला 39 रनों से हार गई। हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। हैदराबाद की तरफ से डेविड वॉर्नर ने 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इस मैच में हैदराबाद की बल्लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में कहीं सो रबादा ने खलील अहमद के साथ कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल हुआ यूं कि 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे थे खलील अहमद और गेंदबाजी कर रहे थे रबादा। रबादा की इस याका गेंद पर खलील अहमद क्लीन बोल्ड हो गए। खलील अहमद को क्लीन बोल्ड करने के बाद रबादा स्पोर्ट्स स्पिरिट्स दिखाते हुए खलील अहमद के पास आते हैं। खलील के पास आते ही उनसे हाथ मिलाते हैं और उनसे कुछ बात भी करते हैं। खलील को वो शाबाशी भी देते हैं। आपको बता दें कि खलील अहमद ने हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए थे। इसलिए रबादा ने खलील अहमद को क्लीन बॉल करने के बाद उनके पास जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं और शाबाशी भी देते हैं और उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। खलील के इस बेहतरीन प्रदर्शन से रबादा काफी खुश होते हैं, क्योंकि खलील अहमद एक अनुभवहीन युवा गेंदबाज हैं और जिनका हौसला बढ़ाया जाना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि वो आगे भी आत्मविश्वास के साथ मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। रबादा के इस खेल भावना ने सभी का दिल जीत लिया है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहां पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।